दोस्त, मैं हूँ रश्मि। आपका हमारे चैनल उमंग कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं साबूदाना की खीर बनाना। ये हमने एक कटोरी साबूदाना लिया है, लगभग 150 ग्राम। साबूदानों को हम धुलेंगे। ये हम पानी में डालकर इसको बढ़िया तरीके से धुल लेंगे। इसको हमें 3-4 पानी से धुलना है। इसे हमें खूब बढ़िया से रगड़ रगड़ के धुलना, ताकि इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद है उसका निकल जाए। हमारा साबूदाना धुल गया है। अब इसमें हम 150 ग्राम तक पानी डालेंगे और इसको अब 30 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, ताकि हमारा साबूदाना खूब बढ़िया से फूल जाए। ये हमारा साबूदाना फूल गया और अब इसको हम इस तरह से तला रहे हैं। ये देखिए, हमारा साबूदाना पूरी तरीके से फूल गया है। ये हम कुकर में डालकर पकाएंगे। साबूदाने में 1 किलो दूध डालकर इसको पकाएंगे। इसमें मैंने साबूदाना में खौलता हुआ दूध डाला है और अब इसको हमें लगातार पकने तक चलाना है। इस तरीके से हम साबूदाने की खीर में डालने के लिए 200 ग्राम चीनी लिए हैं। हमारा साबूदाना देखिए पक रहा है और ये काफ़ी कुछ पक गया और ये साबूदाना हमारा इस तरीके से हो गया, फूल गया है। इसे हमें 3-4 मिनट तक और पकाना है, फिर हम इसमें चीनी को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चीनी को भी डाल देंगे, इससे हमारी खीर मीठी हो जाएगी। हमने यहाँ 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी गलने तक इसको हम पकाएंगे। साबूदाना को हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं नीचे से ये पकड़ सकता है। इसलिए जब भी साबूदाने की खीर आप बनाइए, इसको इस तरीके से लगातार चलाते रहिए। हम साबूदाने की खीर में डालने के लिए ये मेवा लिए हैं, इसको भी हम अब खीर में डालेंगे और 2-3 मिनट तक मेवा डालने के बाद इसे हम पकाएंगे। ये देखिए, हमारा साबूदाना बढ़िया तरीके से हो गया है। अब हमें मेवे को पकाना है। साबूदाने की खीर में डालने के लिए यहाँ हम 4 इलायची का इस्तेमाल करेंगे। दाने को हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें दाने को निकाल देंगे। अब हम इस छिलकों को भी खीर में डाल देंगे। इलायची डाल दिया, इलायची का छिलका, और ये पक गया है। अब इसमें मैं दाने को भी डाल दे रही हूँ और इसे 2-3 मिनट तक चला रही हूँ, ताकि इसका इलायची का सुगंध और स्वाद आ जाए। ये हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। साबूदाने की खीर को इस बर्तन में पलट ले रहे हैं। इस खीर को हम 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। ये हमारी परफेक्ट साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।